नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आईबीसी 24 में आप सभी का स्वागत है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे और छत्तीसगढ़ में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी है वो मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बुलेटिन में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, इन सारे खबरों का अपडेट मैं आपको दूंगा। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में आज कौन सी बड़ी खबरें बनी है सुर्खियां। और इस वक्त जगदलपुर से खबर है जहां पर बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो चुकी है। चित्रकूट में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बस्तर के सभी जिले के कलेक्टर और एसपी भी वहां पर मौजूद हैं। बैठक में बस्तर के विकास को लेकर मंथन हुआ है। तो जगदलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक अब खत्म हो चुकी है। चित्रकूट में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। केदार कश्यप समेत कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बस्तर के सभी जिले के कलेक्टर और एसपी भी यहां पर मौजूद हैं। बैठक में बस्तर के विकास को लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज ये चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में तो चित्रकूट में प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अधिकारी और एसपी यहां पर मौजूद रहे। बस्तर के विकास को लेकर यहां पर मंथन हुआ है। सृष्टि, खास बात यह है कि मैदानी इलाकों से बस्तरवासी अपने आप को कटा महसूस न करें, सरगुजावासी कटा महसूस न करें, इसलिए इस तरह की बैठकें की जा रही हैं और इसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। देखिए, ये कहना है साफ तौर पर, सरकार की तरफ से एक कॉमेंट भी आया, उन्होंने ये कहा कि क्या देश दुनिया चित्रकूट को ना जाने, चूंकि कांग्रेस इस बात को लेकर विरोध कर रही कि भाई इसके पहले सरगुजा विकास प्राधिकरण की भी बैठक हुई, क्या निकला, ये बात आपने सुना। उसके बाद अब देखिए बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है, इसका भी कांग्रेस लगातार विरोध कर रहे थे। तो इसमें सरकार का साफ यही कहना है कि मैदानी इलाकों से खुद को थोड़ा अलग ना महसूस करें, सरकार यहां तक भी है, इसीलिए ये बैठक की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने सृष्टि बताया भी कि बैठक खत्म हो गई है, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और अभी बैठक खत्म हुई। कुछ तस्वीरें उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। अच्छा, देखिए मुख्यमंत्री को इसमें देखिए आप, जैसे बस्तर के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उसी वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो बाकायदा प्रतिमा का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए मीटिंग हो रही है, बाकायदा चाय की चुस्की भी यहाँ पर ली जा रही है, जो बस्तर वासी खास तरह की चाय पीते हैं। ये बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के लिए वेद प्रकाश हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, बताइए क्या अहम मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई, और चूंकि बस्तर के विकास के लिए चर्चा हुई है तो क्या मुद्दे रहे? जी देखिए, थोड़ी देर पहले ही जो बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक है वो खत्म हुई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी जो कि चित्रकूट में हुई थी। इस बैठक में ये बताया जा रहा है, जैसे कि सीएम खुद बता रहे थे मीडिया को जानकारी देते हुए, कि प्राधिकरण के तहत बजट जो है वो 70 से 75 करोड़ का ही होता है, लेकिन कई जिलों में क्या डीएमएफ और सीएसआर की बड़ी राशि आती है। जैसे दंतेवाड़ा की ही बात करें तो डीएमएफ की बड़ी राशि आती है, तो इस राशि का इस्तेमाल भी आवश्यकतानुसार बस्तर के विकास के लिए लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों से जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बस्तर के आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर हॉस्टल्स में छात्र छात्राओं की जो
दर संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाए जाने पर भी शासन विचार करेगा और बहुत जल्द ही बस्तर के जो इलाके हैं वहाँ बड़े बड़े आश्रम खोले जाएंगे, तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ये कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा है कि बहुत सारे जो कलेक्टर एसपी जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा कुछ सुझाव उन्हें दिए गए हैं कि किस तरीके से विकास किया जा सकता है, तो उस पर गहन मंथन किया जाएगा, उसके बाद उस के हिसाब से उसका तदनुसार दिशा निर्देश कलेक्टर और एसपी को दिए जाएंगे। तो माना जा सकता है कि ये बस्तर के विकास के लिए जो ये बैठक बुलाई गई थी ये काफ़ी अहम है, क्योंकि सीएम ने यहाँ तक कर डाला कि बस्तर के विकास के लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस्तर विकास पहली प्राथमिकता है हमारी और इसी के तहत हम बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नियत नीलानार योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत वहाँ पर उन गांवों में बिजली सोलर लाइट बिल्कुल वेद प्रकाश, तो बस्तर जगदलपुर प्राकृतिक दृष्टि से भी एक काफी खूबसूरत शहर है, और इसके अलावा अगर ये बैठक यहाँ पर हुई है तो कई मायनों में से अहम माना जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी जैसे शाम के 6 बजेंगे आप प्रचार नहीं कर सकते, बल्कि अपडेट है 5 बजे है, यहां 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 20 नवंबर को यहां वोटिंग है जबकि नतीजे 23 को आएंगे। महाराष्ट्र में एक ही फेज में 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जबकि झारखंड में दूसरे चरण में 36 सीटों पर मतदान है। आज दोनों राज्यों में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार पर जोर लगा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ठाणे, सोलापुर और अहमदनगर में आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई में 4 जगह रोड शो करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री और झारखंड के बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड में रैलियां करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी झारखंड में सभा करेंगे। आज मैं स्वयं मुंबई में 4 अलग अलग रोड शो और सभा करने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गति और प्रगति कर रहा है, निश्चित रूप से इसी का लोगों को यश मिलेगा और हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है, ऐसे में आइए भाजपा के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। मेरी अपनी ओर से उन्हें आप सबके प्रति शुभकामनाएं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा यह है कि जहरीला सांप है भाजपा मार देना चाहिए, ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों को जातियों में बांट बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो प्रचार का शोर थम जाएगा लेकिन बयानबाजियां जारी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की खबरों का भी रुख करेंगे और मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों, उनको भी 2 ही बच्चे हों, अगर उनके 12 तो हमारे 14 बच्चे होने चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सभी ईसाई और मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, वास्तविक मुसलमान जो हैं वो अरब देश में हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जनसंख्या में लगातार असंतुलन नजर आ रहा है, इसलिए सनातन के प्रवक्ता होने के नाते इस प्रकार की चिंता उनका निजी मत हो सकता है, बीजेपी का अपना अलग मत है। वहीं कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि आप पहले शादी करिए और कम से कम 15 बच्चे पैदा करिए और युवाओं को प्रेरणा दीजिए। यहां भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं, इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं, सब हिंदू ही हैं। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे, अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। देश के अंदर जिस प्रकार से
डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है, जनसंख्या में लगातार असंतुलन आ रहा है, तो फिर सनातन के प्रवक्ता होने के नाते और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाले होने के नाते इस प्रकार की चिंता व्यक्त करना उनका अपना एक निजी मत हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग मत है। तो हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माननीय आदरणीय शास्त्री जी आप विवाह कीजिए, और आपने जो 30 बच्चों की बात कही है तो आप 30 नहीं तो 15 ही कर लीजिए। मैं समझता हूँ संत महात्माओं को, कथावाचकों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा सोमवार सुबह केशकाल घाटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घाटी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्लानिंग किए घाटी को बंद कर दिया गया है, डाइवर्टेड सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब है, इससे जनता को परेशानी हो रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री लखमा ने केशकाल विधायक नीलकंठ टिकाम पर कमीशन लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन की ओर से तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं कवासी लखमा के बयान पर केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन उन्होंने घाट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए कोई पहल नहीं की है, और अब हमारी सरकार घाटी में तेजी से काम कर रही है तो कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं और कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जिस रोड में 10 गाड़ी जा रहा था, बेपर बाजार गाड़ी जा रहा था, उस रोड में 16 गाड़ी जा रहा है, बड़े राजपूत काल क्या हो गया? ये सरकार क्या सोया हुआ सरकार है? ये सरकार का जनता को लूट के वोट लेके भ्रष्टाचारी कर रहा है, इसका लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी को ना कोई मेंटेनेंस का काम किया, ना ही उसके जीर्णोद्धार का काम किया, और उसी के कारण पहली बार केशकाल घाट की स्थिति इतनी दयनीय हुई है, और जिसको बहुत तेज गति से ठीक करने का काम अभी चल रहा है। अब आते हैं महाराष्ट्र चुनाव की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिन मुंबई में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक है तो सेफ है का पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यापारी गौतम अडानी को साथ दिखाया गया। राहुल ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती जिसका नाम धारावी है, धारावी के विकास के लिए अडानी को टेंडर दिए जाने पर तंज कसा है। महाविकास अघाड़ी लगातार आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शर्तों में ढील देकर यह टेंडर अडानी को दिया है। सत्ता में आने पर इस टेंडर को निरस्त करने का भी उन्होंने वादा किया है। इसके जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर भी तंज कसा है। अच्छा, बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी कर दिया है। इस पर बीजेपी ने कहा है एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। बीजेपी ने भी अपने दफ्तर से एक ऐसा ही पोस्टर आज जारी कर दिया। ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है, और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। तो बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां आवास नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों का यह आरोप है कि उन्हें मकान के पूरे पैसे देने के बाद भी परिसर नहीं दिया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 2050 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन आज तक उन फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला है, जिसके बाद लोगों ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया। निगम कमिश्नर ने कहा कि जिस ठेकेदारों को ये काम दिया गया था उनसे सही तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण आवास पूरे कंप्लीट नहीं हो सके हैं। अब दूसरे ठेकेदार को एक काम दिया जा रहा है और 2025 में आवास का कब्जा दे दिया जाएगा, ये वादा भी किया गया है। और एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर कई जिलों के कलेक्टर ने किसानों से रबी सीजन में धान बुआई नहीं करने
और इसकी जगह पर तिलहन और दलहन की फसल लेने का आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने की होते ही सियासत भी अब तेज हो गई है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है, किसान गांजा अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार किसानों को धान की खेती करने से ना रोके। धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है, कांग्रेस अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है, कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सरकार धान की खेती को क्यों हतोत्साहित करने पर लगे हुए है? कई जिलों में हम लोग ये शिकायतें आ रही है कि वहां कोटवारों के द्वारा मौखिक आदेश पर ये लोग ऐसी मुनादी कर रहे हैं। तो ये प्रतिबंधित फसल गांजा या हफीम की खेती नहीं है, नशे की खेती नहीं है जिस पर रोक लगाई जा सके, अन्न ब्रह्म है और इस पर किसी भी स्थिति में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे तुगलकी फरमान को। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह का वो सब उसी की फैक्ट्री है, कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाने वालों की फैक्ट्री है। अब इस तरह का अनर्गल बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए। खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गहलोत को सदस्यता दिलाई है। नजफगढ़ से दो बार विधायक रहे कैलाश गहलोत, जमीनी नेता माने जाते हैं। कल अचानक उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में शीश महल जैसे विवाद का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली की सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने में गंवा रही है, ऐसे में आप छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, यानी आम आदमी पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि दिल्ली का विकास केंद्र की बीजेपी सरकार ही कर सकती है। अगली खबर मणिपुर से है। मणिपुर में 6 लोगों के शव मिलने के बाद से तनाव की स्थिति है। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से AFSP हटाने को कहा है। केंद्र ने 14 नवंबर को जिलों के 6 इलाकों में से लगाया था। तनाव को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दिल्ली में अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की है। मणिपुर में NPP ने बीजेपी से समर्थन वापस भी ले लिया है। मणिपुर विधानसभा में NPP के 7 सदस्य हैं। अब बीजेपी के पास जो टोटल आंकड़ा है वो 32 का है और बहुमत के लिए चाहिए 31, यानी उससे अभी एक बीजेपी के पास ज्यादा है। तो मणिपुर सरकार को फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो मणिपुर में आगे क्या स्थिति बनती से लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां युवक ने महिला थाना प्रभारी को थप्पड़ जड़ दिया। पहले महिला थाना प्रभारी ने युवक को थप्पड़ मारा था और जवाब में युवक ने भी थाना प्रभारी को थप्पड़ जड़ दिया। थाना प्रभारी धरने पर बैठे ग्रामीणों को समझाने पहुंची हुई थी और बड़ागांव थाना क्षेत्र के दरगुआ गांव का ये मामला है। एक बार फिर से रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर कांकेर के टेकामेटा में ककूर जंगल में नक्सलियों के खिलाफ शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन खत्म हो गया है। अब जवान वापस जिला मुख्यालय की ओर लौट रहे हैं। देर शाम तक सभी जवानों की वापसी संभव है। इस मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों की डेड बॉडी बीती रात कांकेर भी लाई जा चुकी है और एनकाउंटर में मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान हो गई है। मारे गए सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर होगी। नाइजीरिया की पहली यात्रा पूरी करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ब्राजील में आज और कल होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में जोरदार स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर एकत्रित हुए। ब्राजील पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे आशा है कि शिखर सम्मेलन विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत होगी। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी ट्रोइका के सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
और इंदौर के नंदबाग इलाके में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम ने 10 पोकलेन मशीन की मदद से अपनी कार्रवाई शुरू की और इस पूरी कार्रवाई की अगर बात करें तो सड़क निर्माण में बाधा बन रहे करीब 63 निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। नगर निगम में जगह पर RE4 सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए कई दिनों पहले बाधक निर्माण को लेकर के यहाँ के रहवासियों को नोटिस दिया गया था। वहीं बीजापुर में उसूर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान उसूर के DRG एवं जिला बल टेकमेटला की ओर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान टेकमेटला जंगल मोड़ के पास पुलिस पार्टी की गतिविधियों को देख नक्सली छुपते और भागते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 8 संदिग्धों को पकड़ लिया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके लागू किए जाने के बाद सभी निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं को छोड़कर 9वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। फिलहाल गुना से खबर है, जहां ABBP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। धारदार हथियार से ABBP के कार्यकर्ताओं पर यह हमला किया गया, जिसमें ABBP के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का गुना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल पक्ष का यह आरोप है कि DSO के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। देर रात बड़े पुल के पास विवाद के बाद की मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात हिट एंड रन के बाद बड़ी सुबह भी सत्ती बाजार इलाके में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार स्टेशनरी दुकान में जा घुसी। कार ने पहले बिजली खंभे से वो जाके टकराई, जिसके बाद स्टेशनरी दुकान में वो जा घुसी। घटना सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त कार में पुलिस की प्लेट लगी है, जिसमें 4 लोग सवार थे। कार सवार सभी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। हादसे के समय इलाके में स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जिन्होंने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र में सत्ती बाजार के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट की सूचना आई है कार की। सवेरे 4 बजे की घटना है, जिस पर एक बिजली खंभे को तोड़ते हुए कार जो है कुछ वहां पे क्षतिग्रस्त भी किया है, जिस पर किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है और इस पर जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर CD कांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। CBI ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। CBI ने छत्तीसगढ़ से बाहर सुनवाई का आवेदन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI में यह आवेदन लगाया था। पहले कांग्रेस सरकार होने के कारण दूसरे राज्य में सुनवाई का आवेदन लगाया गया था। CBI ने आज अपना यह आवेदन वापस ले लिया है। तो CD कांड मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, CD कांड मामले में अब आवेदन वापस ले लिया गया है, बताइए। देखिए, 2017 में एक ये CD कांड हुआ था, जिसमें जो उस समय के तत्कालिक BJP के जो सरकार के जो मंत्री थे राजेश मूणत जी, उनके समय के कुछ अश्लील एक CD वीडियो कांड आया था। उसमें जो है उसकी जांच जो है राज्य पुलिस के अलावा CBI भी उसमें कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है जब कांग्रेस सरकार आई तो उसमें जिस तरीके से CBI ने कहा कि इसमें जो है वो जांच प्रभावित होगी और उसको लेके उन्होंने एक आवेदन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे पहले उसमें इस कार्रवाई को जो छत्तीसगढ़ की कार्रवाई थी उसमें स्टे किया करवाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद जो है इस पूरी कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग थी वो छत्तीसगढ़ में ना कराकर किसी अन्य राज्यों में कराने का एक आवेदन उसमें लगाया गया था। उसके बाद ये इसमें आज एक बार उसमें एक कह सकते हैं मोड़ आया है कि इसमें CBI ने जो आवेदन लगाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां से वो आवेदन जो है वो वापस ले लिया है और उसमें अभी किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं ये देर शाम तक इसलिए क्लियर होगा क्योंकि ऑर्डर की जो कॉपी है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके के तथ्य कोर्ट ने दिए हैं और किस
कारण से ये कह सकते सीबीआई ने इस आवेदन को वापस लिया है। जी बिल्कुल तहसीन, तो आगे का भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ देश प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।